प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सबों का अर्जुन स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं अर्जुन प्रसाद यादव आप सबों के सामने हाइट एंड डिस्टेंस का उदाहरण का पहला क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कौन सी मांग रहा, देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले देख लीजिए धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो एक मीनार बना लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए एक मीनार ये बना लिए, मीनार है जो कि धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो ये धरती हो गया। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, तो ये धरती का कोई बिंदु, इसमें मान लीजिए यही बिंदु ले लिए, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु का अर्थ हो गया मीनार के जड़ से कितना मीटर की दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे है, अर्थात ये दूरी जो है 15 मीटर है। समझ में आ रहा होगा, ये दूरी जो है कितना मीटर है, 15 मीटर है। समझिए फिर से, पृथ्वी के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु का अर्थ हो गया जड़ से इसकी दूरी जो है 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये है, इसके साथ उन्नयन कोण बनाता है, अर्थात क्या नीचे से ऊपर की ओर कोण बनता है, बताए थे देखने पे बनता है, तो वो उन्नयन कोण होता है। देखिए तो यहाँ पे जो कोण बना वो उन्नयन कोण हो गया, और उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना हुआ, 60 डिग्री का बना हुआ है। तो कह रहा क्या, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। तो मीनार की ऊंचाई देखिए, तो क्या मीनार यही ना है, तो इस देखिए ABC मीनार क्या हो गया, BC मीनार है। इसकी ऊंचाई नहीं जानते हैं तो H मान लेते हैं, अभी ये सॉलिड है ना, कहीं टूटा हुआ नहीं बीच में, मान लीजिए कभी इस टाइप का सवाल आएगा जो कि यहाँ से टूटा हुआ रहेगा, अभी ब्रेकिंग रहेगा यहाँ, लेकिन इसमें ब्रेकिंग नहीं है इस रेखा में, किसमें, BC रेखा में ब्रेकिंग नहीं है, इसीलिए इसको क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। अब देखिए हल में क्या लिखेंगे, माना की मीनार है कौन, BC मीनार, BC की ऊंचाई बराबर H मीटर। BC की ऊंचाई बराबर क्या मान ली, H मीटर। अब देखिए H दिया हुआ मतलब इसको निकालना है, लंब हो गया ये, आधार हो गया, तो लंब और आधार में बताए हुए थे कंडीशन, लंब और आधार में टैन का होता है नहीं तो कोट का होता है, दोनों बनेगा। तो समकोण त्रिभुज यहाँ लिखते थे, समकोण त्रिभुज किस में चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, किस में, ABC में समझिए, तो ABC में जब चलेंगे तो ये लंब है ये आधार है, तो टैन का संबंध होगा, टैन कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब के स्थान पे H है, आधार के स्थान पे 15 है, तो अब हो गया टैन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मान रखेंगे कंप्लीट हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, बटे में नहीं कुछ तो एक बराबर H बटे 15। अब देखिए तो कैसे कंप्लीट होगा, H को 1 से गुना करेंगे तो H बराबर हो जाएगा, 15 को √3 से गुना करेंगे तो कितना, 15√3 मीटर। अतः हम कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई जो है 15√3 मीटर है, अतः इस साइड में ही लिख देते हैं, देख लीजिए अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना माने थे H, और H का मान निकल गया 15√3 मीटर। आंसर ये आपको आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।